एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो जी, सुबह का वक्त लगभग 10 बजने को है और यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आज मुझे सुबह उठने के लिए बहुत लेट हो गए थे, तो सुबह का जो भी काम था मुझे जल्दी करना पड़ा। तो यही कारण है कि मैंने आज आप लोगों के साथ हमारा मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं की। एक्चुअली में क्या होते हैं, अगर लेट से उठे तो सुबह का जो भी मॉर्निंग रूटीन होते हैं उसे जल्दी करना होता है, और अगर उस वक्त वीडियो बनाए तो सारा काम लेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना लंच की तैयारी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ही हमारा बहुत लेट हो गए थे, तो इसी कारण से मैंने लंच की कोई भी तैयारी नहीं की। तो आज हम लंच में बनाएंगे आलू मटर और पनीर की सब्जी। मुझे आलू मटर और पनीर की सब्जी बहुत खाने को मन था, तो आज रयान के पापा ने पनीर लेकर आए हैं, तो लंच में हम वही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने तेल में पनीर को डाल दी है, तो पनीर को हम हल्के से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। और फ्राई होने के बाद जो तेल थोड़े से बच गए हैं उसी तेल का हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तेल में हम थोड़े से डाल लेंगे जीरा, और हमने अदरक लहसुन कूट के रखे तो उसे भी डालते हुए हम भून लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम हम लो करेंगे और जो भी हमारा बेसिक मसाले, जो सूखे मसाले, उसे हम डाल देंगे। तो मैंने डाल दिया हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा धनिया का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालते हुए इसे मिला लेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ डाले हैं गरम मसाला। जैसे हो जाए तो यहाँ हम डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर, और जैसे ही टमाटर पक जाए तो आलू मटर को डालेंगे। और आलू मटर के साथ मैंने प्याज को बड़े बड़े साइज में काटे हैं, तो उसे भी मैंने डाल दिए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और जैसे ही अच्छी तरह से आलू और मटर पक जाएंगे तो यहाँ हम डाल देंगे पनीर। पनीर के साथ यहाँ थोड़े से हम पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो भी पनीर का फ्लेवर है वो आलू और मटर में चले जाए। और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से पका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ढेर सारे हरे धनिया के पत्ते। मुझे हरे धनिया के पत्ते बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हरे धनिया के पत्ते डाले हर सब्जी में। और वैसे भी सर्दियों के समय हरे धनिया के पत्ते बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो मैं हमेशा हरे धनिया के पत्ते तो घर पर रखती हूँ विंटर के समय। तो मैंने अच्छी तरह से हरे धनिया के पत्ते डालते हुए मिला दिया। जैसे एक उबाल आ जाएंगे तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। चावल और दाल तो मैंने सब्जी बनाने से पहले ही बना दिए थे, तो अभी फिलहाल हमारा लंच बनाने का काम खत्म हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ी साफ सफाई का काम करूंगी, तो यहाँ मैं अच्छी तरह से पानी डालते हुए झाड़ू की मदद से साफ कर लूंगी। आज मुझे उठने में लेट हो गए हैं, नहीं तो मैं सुबह ही यह काम कर देती हूँ रयान के उठने से पहले। एक्चुअली में क्या होते हैं कि रात के वक्त कुत्ते बिल्ली यहीं सोते हैं तो गंदे करते हुए चले जाते हैं, तो सुबह के वक्त रयान उठने से पहले मैं ये काम को खत्म कर देती हूँ। पर आज मुझे उठने में लेट हो गए हैं, पर अगर मैं जल्दी उठती हूँ या फिर हमारा तबीयत ठीक रहते हैं तो ये काम तो मैं सुबह ही कर देती हूँ। बाहर का मैंने अच्छी तरह से पानी डालते हुए साफ कर दिए हैं। तो आज मैं यह करूंगी कि यह हमारा अलमारी को मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करूंगी। वैसे तो अलमारी के अंदर जो भी होते हैं उसे मिलाना हमारा ही काम है, पर बाद में क्या होते हैं कि हमारे हाथों से दोबारा सारे सामान इधर से उधर हो जाते हैं। तो आज अलमारी में जो भी है सारे सामान को मैं अच्छी तरह से मिलाते हुए रख दूंगी और ये काम को मैं आज खत्म कर ही देती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये काम को करूँ, पर कुछ ना कुछ होने के कारण मैं ये काम को कर नहीं पाई। पर मैं आज ये काम को खत्म कर दूँ ताकि मुझे आराम मिले, क्योंकि जब भी मैं अलमारी खोलती थी तो कुछ भी सामान मुझे निकालना होता था तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। और ये अलमारी में मैं ज़्यादातर रयान के छोटे के कपड़े रखे हैं, लगभग 1 या 2 साल के थे तब मैंने ये कपड़े को सारे लिए थे, तो वही सारे कपड़े मैंने अच्छे से रखे ताकि हमारे दूसरे बच्चे के लिए काम आए। और हमारे यहाँ माने जाते हैं कि अगर बड़े के कपड़े अगर छोटे पहने तो बहुत अच्छे होते, तो मैंने जितने भी रयान के 1 या 2 साल के कपड़े थे सारे कपड़े को रखी हूँ मैं। और जब भी मैं सारे कपड़े को देखती हूँ तो रयान जब 1 या 2 साल के थे तब का जो भी बचपन या जो भी हरकतें थे वो मुझे बहुत याद आते हैं। तो यह भी एक कारण है, इसी कारण से मैंने रयान के जितने भी बचपन के कपड़े मैंने अच्छी तरह से रखे हैं। तो मैंने सारे कपड़े को बाहर रख दिए, उसके बाद न्यूज़पेपर इस तरह से मैं बिछा दूंगी ताकि जो भी हम कपड़े रखेंगे वो खराब नहीं होंगे। वैसे तो पेपर के जगह स्टिकर भी लगा सकते हैं, पर बेकार का खर्चा क्यों करना, तो मैं यहाँ न्यूज़पेपर का इस्तेमाल की हूँ। और अगर स्टिकर लगाने का सोचा जाए तो खर्च करना होगा, तो यहाँ मैंने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया ताकि हमारा बिना खर्च का काम हो जाए। तो मुझे जहाँ जहाँ कपड़े रखने हैं तो वहाँ मैंने अच्छी तरह से पेपर को बिछा दिए हैं। तो अब हम एक एक करते हुए सारे कपड़े को मिलाते हुए रखेंगे।
और इस अलमारी में ज़्यादातर रेयान के कपड़े ही हमने रखे हैं। बस हम लोगों का जैकेट या फिर स्वेटर जो भी हमारा कैप है वही हमने रखे, पर ज़्यादातर रेयान के कपड़े ही हैं। तो जो सबसे नीचे वाले जगह है उसमें हम लोग जैकेट या फिर शॉल या फिर जो भी हमारा स्वेटर हैवी कपड़े उसको नीचे में रखेंगे और बाकी का जो है ऊपर साइड में रखेंगे। और देखने में नहीं लगता कि ये काम करने के लिए ज़्यादा वक्त लगेंगे, पर यकीन मानिए ये काम करने के लिए बहुत वक्त लग जाते हैं। मुझे लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लगे हैं ये काम करने के लिए। तो जी देखिए, हमने अच्छी तरह से अलमारी के जितने भी कपड़े थे सारे को मैंने अच्छी तरह से मिला दिए हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। रेयान आ गए थे तो रेयान के साथ हम लोगों ने लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किए। तो ये अब शाम का वक्त है, लगभग 4 बज गए थे। और देखिए हमारी मिर्ची के पेड़ में कितनी सारी मिर्ची लगे हैं, तो आज हम यही सारी मिर्ची को तोड़ेंगे। अगर थोड़े से भी समय निकालते हुए मेहनत करें तो घर में ही जो भी हो थोड़े ही सही पर अच्छे जरूर खाने को मिलते हैं। गार्डन तो हमारे छोटे हैं पर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ लगाए ताकि कुछ अच्छा खाने को मिले। तो यहाँ जितने भी छोटे छोटे उसे छोड़ते हुए जितने भी तीखे या फिर बड़े वाले मिर्चियाँ हैं सारी मिर्चियाँ को मैं तोड़ लूँगी। अभी जो हम मिर्चियाँ तोड़ रहे हैं उसको मिलाते हुए लगभग हमने 1 किलो के आसपास मिर्ची तोड़े हैं इस मिर्ची के पेड़ से। तो यही फायदे होते हैं अगर थोड़े से मेहनत करते हुए कुछ भी लगाए तो अच्छे खाने को भी मिल जाते हैं और पैसे भी बच जाते हैं। क्योंकि अगर मिर्ची मार्केट से लेकर आए तो मिर्ची भी थोड़े महंगे ही होते हैं, तो इस कारण से अगर थोड़े मोड़े लगा दिया जाए तो थोड़े तो बच ही जाते हैं पैसे। तो जितने भी बड़े बड़े और तीखी मिर्चियाँ हैं सारी मिर्चियों को मैं तोड़ लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने हुए हैं। तो यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ हमने कितने सारे मिर्चियाँ तोड़े हैं। तो ये सारे मिर्चियाँ लगभग हमारे महीने भर के लिए तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ मिर्ची तोड़ने के बाद लगभग हमारा 5 बज गए थे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ रेयान के जो भी स्कूल का होमवर्क था वो मैं करवा रही हूँ। तो रेयान के जितने भी स्कूल का होमवर्क होते हैं या फिर जो भी कुछ होते हैं स्कूल का दिया हुआ तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि रेयान तो रेयान के पापा से बिल्कुल मानते नहीं, तो मैं ही करवा देती हूँ। रेयान जो भी शैतानी करते हैं तो रेयान के पापा बिल्कुल कुछ कहते नहीं, बिल्कुल डांटते नहीं, पर मैं तो डांटती हूँ। तो यही कारण है कि रेयान बिल्कुल रेयान के पापा से मानते नहीं, तो मुझे ही करवाना होता है। और मेरे ख्याल से घर में कोई ना कोई तो एक ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे बच्चे डरेंगे, क्योंकि अगर बच्चे डरेंगे नहीं तो गलती करते रह जाएंगे। तो घर में मेरे ख्याल से तो कोई ना कोई तो एक ऐसा जरूर होना चाहिए, और थोड़ी मोड़ी रेस्ट्रिक्शन और डिसिप्लिन तो घर पर होना ही चाहिए ताकि बच्चे थोड़े कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर घर पर ये सब ना हो तो बच्चे को गलत या सही का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आते, तो ये सब होना भी बहुत जरूरी है। पर हाँ एक बात है, हमारे रेयान को पढ़ाते वक्त मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है। मैं जो भी सिखाती हूँ तो आसानी से कैच कर लेते हैं और सीखने के कारण आसानी से लिख भी लेते हैं। और यहाँ जैसे ही रेयान का होमवर्क खत्म हो जाएंगे तो मैं रेयान को खेलने के लिए बाहर छोड़ दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर इस तरह से छोड़ देना भी ठीक है, क्योंकि रेयान फ्री भी हो जाएंगे और उसका माइंड अच्छा रहेंगे। तो जब भी रेयान का होमवर्क खत्म हो जाते हैं या फिर पढ़ाने का काम खत्म हो जाते हैं तो ही मैं बाहर रेयान को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि वो खेले। तो जी अभी शाम हो चुका है तो अब हमारा टाइम है प्रेयर करने का। तो यहाँ मैं कैंडल जला लूंगी और प्रेयर कर लूंगी। तो शाम का रूटीन हमेशा हमारा प्रेयर से शुरू होते, उसके बाद ही बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। शाम का वक्त है तो मच्छर बहुत सारे दरवाजे या फिर विंडो के आसपास घूमते रहते हैं, तो मैं ये करूँगी कि अच्छी तरह से चारों तरफ धुआं लगा दूंगी ताकि जो भी मच्छर अंदर या बाहर है वो भाग जाए। तो यहाँ मैंने यह किया कि पहले मैंने कोयला को रखा, उसके बाद जो भी सूखी लकड़ियाँ हैं उसको मैंने उसके ऊपर रखा, उसके बाद यहाँ मैंने जला दिया ताकि कोयले भी हमारा जल जाए और अच्छी तरह से हमारे चारों तरफ धुआं लगे। और जब ये अच्छी तरह से जल जाए तो मैं इसे अंदर लेकर आऊँगी। तो देखिए यहाँ हो चुका है, तो मैं इसे अंदर लेकर आऊँगी और इसके ऊपर मैं डालूँगी धूना, जिसे हम मच्छर भगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या फिर आप लोग कभी कभी पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं वो वही है। तो मैं कोयले के ऊपर थोड़े थोड़े डालते हुए इस तरह से करूँगी, उसके बाद चारों तरफ ये धुआं को लगाऊँगी ताकि अगर मच्छर अंदर भी घुस गए हैं तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो मैं इस तरह चारों तरफ कर दूंगी ताकि जो भी है अंदर या कोने में अगर मच्छर छुपे भी हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। पर मैं पहले मच्छर भगाने के लिए यह करती थी कि जो अंडे ट्रे में रखते उस ट्रे का मैं इस्तेमाल करती थी, पर मैं अब नहीं करती क्योंकि प्रेगनेंसी में उस ट्रे को जलाना ठीक नहीं, तो मैं आजकल वो नहीं करती हूँ।
तो अभी फिलहाल मैं मच्छर भगाने के लिए धुना का ही इस्तेमाल करती हूँ ताकि मच्छर भी हमारा भाग जाए और हमें कोई भी नुकसान ना हो। तो चारों तरफ धुना लगाने का काम खत्म हो जाए तो मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो मेरे परिवार, आशा करती हूँ आज आप लोगों को मेरे ये वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आप लोगों को मेरी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, अपना सजेशन और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे ये होगा कि मुझे पता चलेंगे कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो मेरे परिवार, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नई दिन और एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।